अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है अचार का मसाला। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। और मुझे कमेंट्स भी करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। चलें अब मैं चलती हूँ रेसिपी की तरफ। 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच राई, 2 चम्मच कलौंजी और 2 ही चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी। अब हम इन सब चीज़ों को भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबुत धनिया, सौंफ, राई, मेथी, कलौंजी, इन सब चीज़ों को हम हल्की आंच पे भून लेंगे। 1/2 किलो अचार का मसाला है, इसको हम अच्छे से मिक्स करके और हल्की आंच पे भून लेंगे। 1 चम्मच जीरा और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। सब चीज़ें हमारी भून चुकी हैं, इसको हम थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे और मिक्सी में पीस लेंगे मसाले को। अगर आपको दरदरा पसंद है तो आप वैसे ही रखिएगा मोटा मोटा, और अगर आपको बारीक पसंद है तो आप बारीक कर लिएगा इसको, वो आपके ऊपर है। और इसको हल्के आंच पे भूनना है सब चीज़ों को, वरना ये ज़्यादा ही जल हो जाएंगी, क्यों जाएंगी, जल जाएंगी, इसलिए बिल्कुल धीमे आंच पे आपको इसको भूनना है मसाले। मसाला हमारा ठंडा हो चुका है, मिक्सी के कटोरी में मैं डाल दूँगी। ये हमने ज़्यादा पीसा नहीं है, मोटा मोटा ही है, इसलिए कि हमारे घर में ज़रा थोड़ा मोटा मोटा खाया जाता है, हम लोगों को ज़्यादा बारीक बिल्कुल सूमा पसंद नहीं है। तो इसलिए देखें मैंने आप दिखाया आपको कि ये इस तरह पीसा है मैंने। अगर आप बारीक पीसना चाहते हैं तो आप और चला लीजिएगा ग्लेंडर मशीन को, तो वो बारीक हो जाएगा बस। अब मैं इसमें कुटी हुई मिर्चें और हल्दी और नमक डालूँगी। अब 2 चम्मचें मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी, एक चमचा मैं इसमें कुटी हुई मिर्ची डाल दूँगी। आप कुटी हुई मिर्ची अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चमचा इसमें मैं नमक डाल दूँगी और मैं अच्छे से सब मसाले में इसको मिक्स कर दूँगी। ये हमारा अचार का मसाला रेडी है। अचार का मसाला मेरा रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। और मुझे कमेंट्स भी करके बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।